दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप कम से कम 8 से 10 लाख रुपए महीने बड़े आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं बिजनेस लेकर आया हूँ, जो आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आपका जो माल तैयार होगा वो मात्र 40 से 50 रुपए में आपका पूरा माल तैयार हो जाएगा, जो कि 1300 रुपए किलो बड़े आराम से बिकेगा। हर खर्चे भी अगर काट दें तो 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, 60-70 रुपये में सारा कुछ आपका तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसे आप 1300 रुपए में बड़े आराम से बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आती है बेचने की, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको बेचना कहाँ है, किस जगह पर बेचना है और तो कैसे रेट में बिकेंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि बिक नहीं पाता है, लेकिन मैं बेचने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके कारण आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपके घर से माल बिक जाएगा और आपके अकाउंट में सीधे पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया है पोटैटो पाउडर का, आलू के पाउडर का बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत सी ऐसी आसपास हमारी चीज़ें होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर जाते हैं या उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, और इन्हीं का काम करके दूसरे लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। कई कंपनियाँ इसके माध्यम से करोड़ों रुपये कमा बड़े आराम से कमा भी रही हैं, और इसके लिए आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको कमाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलो अगर आलू लेंगे तो उसको सुखाने के बाद उसका 1 किलो पाउडर बन जाता है। अगर 6 किलो आलू में आपका 1 किलो पाउडर अगर बनता है तो 6 किलो आलू सीजन में अगर आप खरीदेंगे तो 5-6 रुपये किलो बड़े आराम से मिल जाती है। पर अगर मान लीजिए 8 रुपये किलो भी सीजन में मिलती है तो आप इकट्ठा लेके रख सकते हैं, तो 8 रुपये किलो अगर मिलती है तो 48 रुपये की आलू हो जाएगी, मात्र 48 रुपये में। इसको काट के आपको सुखा देना है, आप चाहें तो ओवन में भी सुखा सकते हैं या कि आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं। आलू से 50 तरह के बिजनेस किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक बिजनेस की बात बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बिजनेस में इतना ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि आलू के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके कई प्रोडक्ट बनते हैं और इसके बराबर अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आलू को आपको सबसे पहले सुखाना है, काट लेना है, पहले आलू को उबालना है, फिर काटना है और उसके बाद सुखा देना है। जब वो सूख जाए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, कुरकुरी हो जाएगी। उसके बाद आप उसको मिक्सी में डाल के बढ़िया पीस के और महीन पाउडर बना लें। जब आप उसको पीस के पाउडर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पाउडर जिसका आदमी यूज कर सके। और उसके बाद उसकी पैकिंग करना है, पैकिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ, अमेज़ॉन में देख लीजिए, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पे 100 ग्राम आलू का पाउडर आपका 200, 250, 300 में बिक रहा है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मान लीजिए आप 150 में बेचते हैं, मैं कहता हूँ कि 130 रुपये में भी अगर आप 100 ग्राम बेचते हैं तो 1300 रुपये किलो आप का बिकेगा, और 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा, 70-80 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। आप सारा खर्चा मान लीजिए अपना भी, किराया, बिजली सब कुछ अगर काटेंगे तो 100 रुपया किलो भी नहीं पड़ेगा और आपको 1 किलो में 1200 रुपया किलो आपको बेनिफिट होगा। इतना बेनिफिट का बिजनेस कोई भी नहीं बता सकता। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आलू पाउडर के फ़ायदे क्या हैं। तो आलू एक औषधि टाइप में है, मतलब वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसकी आप औषधि के रूप में भी काम कर सकते हैं, इसे खा भी सकते हैं। जैसे आलू का रक्त पित्त बीमारी में कच्चे आलू के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और या कि पाउडर, इसको अगर पाउडर फॉर्म में लिया जाए तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। या कि कभी कभी चोट लगने पर नीला पड़ जाता है तो नीली पड़ी जगह पर आप आलू का पाउडर पानी में मिलाकर उसमें लगा दें तो आपका वो नीलापन हट जाता है। शरीर पर कहीं भी जल गया हो या तेज़ धूप से त्वचा झुलस गई हो आपकी, या त्वचा की में झुर्रियाँ आ गई हों, या चेहरे में आपके झुर्रियाँ आ गई हों, या कोई भी त्वचा का रोग हो, तो आलू का पाउडर आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपको अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और ये एक अचूक दवा का काम करती है। जैसे भुना हुआ आलू का पाउडर आपकी पुरानी कब्ज और अतड़ियों की संडास को दूर करता है, गंध को खत्म करता है। आलू में पोटेशियम साल्ट होता है जो कि अम्ल पित्त को रोकता है। आप आलू के पाउडर को सेंक लें और फिर उसका
छिलका उतार आपका आलू का पाउडर अगर लेंगे तो आपको उसमें छिलका की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हटाने की। तो आप आलू के पाउडर में मिर्च डालकर डेली खाएं तो इससे गठिया ठीक हो जाता है, गठिया रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। गुर्दे की पथरी में आलू खाते रहने पर बहुत लाभ होता है, या आलू का पाउडर आप डेली सुबह शाम खाएंगे तो इससे पथरी अपने आप घुल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। पथरी के रोगी को केवल आलू खिलाकर या आलू के पाउडर को खिलाकर बार बार उसको अगर आप खिलाएंगे तो कुछ दिनों में उसकी पथरी पेशाब के द्वारा निकल जाएगी और इसमें कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि पथरी का बहुत लोग ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ होती है और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। उच्च रक्तचाप के रोगी भी आलू का पाउडर अगर खाते हैं तो रक्तचाप को या हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य बड़े आराम से बनाया जा सकता है बिना दवाई के। और आलू के पाउडर को आप अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपका रंग भी गोरा हो जाता है। आलू के पाउडर को अगर दूध में मिला के आप पीते हैं बच्चों या बड़े बच्चों किसी को भी अगर आप पिलाते हैं तो वे अच्छे मोटे ताजे हो जाते हैं। जैसे बहुत लोग लड़कों को अगर सूखा रोग हो जाता है तो इससे आप पिलाएंगे तो मोटे ताजे हो जाएंगे। और आलू कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाता है, आलू मोटापा तब बढ़ाता है जब आप उसे तल के और मिर्च मसाले खा के और घी या तेल से तलेंगे तब जाके उसकी चिकनाई ज़्यादा बढ़ती है और उससे आपका मोटापा बढ़ता है। और आलू के पाउडर को सुबह शाम पिलाने से आपका शुगर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका हो जाएगा। और आलू पाउडर में जितना मुर्गी के चूजों में जितना प्रोटीन होता है उतना आलू के पाउडर में लगभग 8.5% प्रोटीन होता है। और आलू का प्रोटीन बूढ़ों के लिए तो बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला होता है और बुढ़ापे की कमजोरी को भी दूर कर देता है। ऐसे ही आलू के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सूजन भी घटाता है, आलू के अंदर सूजन को ख़त्म करने की अच्छी क्षमता अद्भुत क्षमता होती है। आलू में मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन B6 और भी अनेक खनिज तत्व होते हैं आंतों और पाचन तंत्र में हुई सूजन तक को घटा देता है, दिल को दुरुस्त रखता है। और आलू सिर्फ खाने से आपके बहुत से आंतरिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप आलू के पाउडर को नॉर्मली ऐसे एक चम्मच खा लें और पानी पी लें डेली सुबह शाम तो इससे आंतरिक रोग भी बड़े आराम से ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से और भी इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। ये तो मैं सिर्फ आलू के पाउडर के फ़ायदे बताऊँ, उसके बाद आप आलू के चिप्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। आलू की नमकीन भी बनती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती हैं। तो अगर आप आलू के पाउडर का बिजनेस करेंगे तो इसके बराबर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इसका बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ FSSAI का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपये में एक साल के लिए इसका लाइसेंस मिल जाता है। और इसको आप सेल करने के लिए आप इसको एक बढ़िया सा बॉक्स लें प्लास्टिक का, जो कि 5 या 6 रुपये में आ जाएगा प्लास्टिक का बॉक्स, जिसमें आप आलू का पाउडर रख के इसमें बेच सकते हैं। और अपनी कंपनी के नाम से आप उसमें लेबलिंग करवा लें, मतलब कि स्टिकर बनवाएं और उसी बॉक्स में स्टिकर चिपका लें, रेट चिपका लें, और उसके बाद इसको ऑनलाइन में आप बेच सकते हैं। जैसे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, Ajio.com हो गया, ग्रोफर्स हो गया और Jio.com भी हो गया। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं, 500 वेबसाइटें। आप सिर्फ अगर 5 वेबसाइट बस में अगर आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके पास डेली कम से कम 20 से 30 किलो 40 किलो 50 किलो तक ऑर्डर डेली आपके पास आएगा। और दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो जो भी कंपनी या कि जिस भी कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कंपनी वाला आपके घर आएगा और आपका सामान ले जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा। मतलब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे आपको बढ़िया से कमाई परमानेंट होती रहेगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आलू के पाउडर को ऑनलाइन आप अभी सर्च करेंगे तो ये बहुत कम ही मिल पाता है, क्योंकि इसके बारे में लोग जानते नहीं, इसलिए इसका बिजनेस कर नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी।
और आप अभी ऑनलाइन में सर्च कर लीजिए तो आलू का पाउडर जब आप सर्च करेंगे तो उसमें नीचे लिखा रहेगा फ्यू, मतलब कुछ।